डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ सोशल रिसर्च पर uh, हम जो है सोशल रिसर्च को डिफरेंट तरीक़ों से कैटेगराइज करते हैं जैसे कि हम इसकी एक कैटेगराइज़ेशन करते हैं मेथडोलॉजी की बेसिस पे और एक कैटेगराइज़ेशन इसकी करते हैं सैम्पलिंग की बेस पे इसी तरह हम इसकी एक कैटेगराइजेशन करते हैं इसके डायमेंशन की बेस पे तो इसमें जो कैटेगराइजेशन में हम जो डायमेंशनज़ इस्तेमाल करते हैं वो जो इसकी पहली डायमेंशन है वो है इसकी यूज़ एंड ऑडियंस ऑफ रिसर्च यानी जो हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उसकी ऑडियंस कौन है तो इस बुनियाद पर हमारी जो रिसर्च की दो कैटेगरीज इमर्ज होती हैं बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च इसमें से जो बेसिक रिसर्च है इसको हम एकेडमिक रिसर्च भी कहते हैं जो कि किसी डिसिप्लिन की थ्योरी और उसकी जो सब्जेक्ट मैटर है उसके डेवलपमेंट के लिए होती है और दूसरी इसकी जो टाइप है वो है अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च जो कंडक्ट की जाती है वो सोशल इश्यूज सोशल प्रॉब्लम्स के लिए को सॉल्व करने के लिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो किसी माशरे की डेवलपमेंटल नीड्स होती है उसको समझने के लिए कंडक्ट की जाती है तो इसी तरह हम इसका अगर दूसरी डायमेंशन देखें सोशल रिसर्च की तो वो बनती है पर्पज़ ऑफ़ रिसर्च तो पर्पज़ ऑफ़ रिसर्च की बुनियाद पर हम जो है आ, इसकी तीन टाइप्स बनाते हैं एक्सप्लोरेटिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च और ये तीनों टाइप्स जो हैं ये एक्चुअली बेसिक रिसर्च के साथ लिंक्ड होती हैं इसी तरह जो थर्ड डायमेंशन है आपकी रिसर्च की वो है टाइम इन रिसर्च इस यहाँ पे टाइम का मतलब ये है कि एक रिसर्चर कितनी दफ़ा जो है वो फील्ड से डाटा कलेक्ट करता है तो इस बुनियाद पर रिसर्च में जो है वो दो टाइप्स बनती हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्रॉस सेक्शनल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें जो रिसर्चर है एक दफ़ा फ़ील्ड से डाटा कलेक्ट करता है यानी वो रिस्पोंडेंट से एक दफ दफ़ा जो है अपने रिसर्च uh, प्रॉब्लम से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने जाता है और जो लॉन्गीट्यूडनल रिसर्च होती है इसमें जो डाटा कलेक्शन होती है वो मोर देन वन टाइम होती है और इसमें लॉन्गीट्यूडनल रिसर्च में फिर इसकी आगे टाइप्स हैं जो हम आने वाले मॉड्यूल्स में देखेंगे तो अब जो इससे आने वाले आगे मड्यूल्स होंगे उसमें हम इन तीन डायमेंशंस जो हैं उसमें एक एक को आ, जो है करके इसको हम स्टडी करेंगे शुक्रिया